स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 8 पार्ट 2। और हम हिमाचल सर्कल का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर रहे थे। पहले 30 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके थे, अभी बाकी के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूँ एक छोटी सी पंक्ति से, सो जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ली हुई है कि जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चांदद होन्या गुरु बिन घोर अंधार। इस पंक्ति का दोस्तों बहुत ही सुंदर मतलब है कि अगर 100 चांद आसमान में आ जाए और 1000 सूरज आसमान में चढ़ जाए, तो भी इतने इतनी रोशनी होते हुए भी अगर हमारा कोई गुरु नहीं है तो हमारी जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। एक गुरु की जो महिमा है इस जो पंक्ति में है वो हमें बताई गई है। तो जिंदगी में कुछ भी करना हो दोस्तों, गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो बहुत खुशकिस्मत है जिसको अच्छे गुरु मिले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन नंबर, जीके का क्वेश्चन है कि जो चेनाब रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो किस स्टेट में है। तो चेनाब रिवर जो 5 रिवर पंजाब में बहती है, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, जेहलम, उसमें एक रिवर जो है जिसकी वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। ठीक है, और जो चेनाब रिवर है ये 2 रिवर से मिलकर बनती है, एक का नाम है चंद्र और दूसरा का नाम है भाग। ठीक है, और जो दोनों रिवर्स कहाँ पर मिलती है, हिमाचल प्रदेश में, जिसको हम देवभूमि भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जीके का कि जो अरावली पर्वत है वो कौन सी स्टेट में है। तो अरावली पर्वत है राजस्थान की स्टेट में, और ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, इनको रेजिड्यूल माउंटेन भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि अभी खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एथिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कि टू हैव अ हाई सेंस ऑफ मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर, कि अच्छे मॉरल और एथिकल बिहेवियर के लिए अगर आप इज्जत और मान पाना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो इसके लिए किसी भी पर्सन के पास करैक्टर होना चाहिए, अच्छा करैक्टर होना चाहिए, वो अच्छा उसमें वो सुलझा हुआ इंसान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कि फर्स्ट इंडियन, वो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो कौन है, वह कौन है। वे है रविंद्र नाथ टैगोर जी, और सन 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मुस्लिम इन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी 1906, और 1906 में ही जो बंगाल है उसको इंडिया से सेपरेट किया गया था, जो आज बांग्लादेश भी बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, इसमें जो राइट टू फ्रीडम है वो किस आर्टिकल में दिए हुए हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों 19 नंबर में राइट टू फ्रीडम दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कि लाल बाल पाल किससे संबंधित है। तो लाल बाल पाल 3 फ्रीडम फाइटर थे। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये तीनों किससे संबंधित है, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से संबंध रखते हैं।
और इंडियन क्लासिकल डांस भारतनाट्यम किस स्टेट के साथ संबंधित है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु के साथ, ठीक है। और गुजरात के साथ है, जैसे गरबा है। आप वो भारतनाट्यम देख आपने वो देखा भी होगा, वो जिसमें आंखों की, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ भारतनाट्यम की। ये सभी चीजें जब हम जीके की क्लास बाद में शुरू करेंगे उसमें समझेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भारतनाट्यम डांस, जिसमें इसमें आंखों का बहुत होता है, जो जो भी होता है, ये फोक डांस होता है। इन चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अभी इधर ही कंसंट्रेट करते हैं। जब डांडी मार्च शुरू हुआ था, तो डांडी मार्च से कौन से मूवमेंट की शुरुआत हुई थी? तो डांडी मार्च हुआ कब था? 1930 को हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इससे जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये थे जीके के 10 क्वेश्चन। अभी हम करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 5K व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 के पहले 5 मल्टीपल की एवरेज क्या होगी, ठीक है। पहले 3 के पहले 5 मल्टीपल कौन से हो गए? एक होगा 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12 और पांचवा 15, ठीक है। अब इनका एवरेज ढूंढने के लिए हमको इनको जोड़ना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ नंबर से। तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45/5 = 9। तो 41 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कि 50% ऑफ द 50 एंड 25% ऑफ 25 का जो वैल्यू होगा टोटल वो क्या होगा? तो पहले तो 50% ऑफ 50 निकालने के लिए क्या है कि 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, 1% आ जाएगा, 50 से गुणा करेंगे तो 50% आ जाएगा, 2 0 इधर कट जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। और इधर देखते हैं, 25% ढूंढने के लिए 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, 25% ढूंढने के लिए 25 से गुणा कर देंगे, 1/4, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 और 6.25, इसका आंसर आ जाएगा 6.25। इसमें ये 25 जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 31.25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति 6 माइल्स 2 घंटे में चलता है तो 6 घंटे में वो कितना चलेगा? अगर 2 घंटों में 6 माइल्स चलता है तो 2 2 2 6 घंटे हो गए, 6 6 6, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 18 माइल। आर कितना हो गया? 6 घंटे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर 2 घंटों में 6 माइल्स चलेगा तो 6 घंटों में 18 माइल्स चलेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कि अगर टैक्सी ड्राइवर जो 800 मीटर की डिस्टेंस है वो 8 मिनट में तय करता है, तो हमें स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में लेनी है? मीटर्स में, मीटर्स में ही दी रखी है तो 800 लिख देंगे। जो मीटर्स पर मिनट जो टाइम है मिनट्स में लेना है और मिनट्स में ही दे रखा है तो 8 लिखेंगे, तो
हमारा आंसर आ जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर 3 घंटों में तय करती है डिस्टेंस को, तो उसकी स्पीड निकालनी है हमने मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अभी 54 किलोमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर है तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और जो समय दे रखा है 3 घंटे, और इसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से गुणा करोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से 60 से कन्वर्ट करोगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले ये 2 जीरो हैं यहाँ से जहाँ कट जाएगी, और 6 को जहाँ काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को इधर काटोगे तो 3 आ जाएगा, 3 को इधर काटोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 10 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो दोस्तों होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कि अगर किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये की जो रकम है वो 2 साल के लिए 5.5% एनम की दर से रखी है, तो उस पर जो ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.5, और समा कितना है, 2 साल, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। इसको 2 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 11, 11 को 5 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 55, 55 के पीछे लगाओगे 0 तो आंसर आ जाएगा 550, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा सही आंसर होगा। 47 क्वेश्चन नंबर, इसमें हमने जो वेट दिया हुआ है 5 स्टूडेंट का, इनका एवरेज ढूंढना है। तो वेट कितना दिया है, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg और 48 kg, ठीक है। एवरेज करने के लिए पहले तो सभी नंबर्स को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितने नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 हासिल, 4 8 12 16, 20 और 2 22, 220 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 20 30 40, 40 और 4 44, तो आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 कि किसी काम को जो ए है वो 2 दिन में खत्म करता है, और उसी काम को बी 3 दिन में खत्म करता है, अगर दोनों साथ में काम करें तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो ए कितने दिनों में काम खत्म करता है, 2 दिनों में, और बी कितने दिनों में काम खत्म करता है, 3 दिनों में, या इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और अगर जो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म होगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। और इसको सॉल्व कर लेंगे,
दोस्तों जो ये काम होगा वो 1.2 दिनों में खत्म होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बॉड मास का क्वेश्चन है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस चीज को, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6, 8 से 6 निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका 2 आंसर आ गया, और 14 और 2 कितने हो गए, 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि अगर कोई व्यक्ति एक्स है, उसने जो किताब है 500 रुपए की खरीदी है और उसको 550 रुपए में बेचा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस कितना है 550, तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 550 माइनस 500 बराबर 50 रुपये। अभी 50 रुपये को परसेंटेज में निकालना है, तो 50 ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो जहाँ से कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को 10% का फायदा हुआ जब उन्होंने जो किताब है वो 550 की बेची। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा हिमाचल सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप इस वीडियो को, आपको जी अच्छी तरह से समझने का होगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं अभी के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।